तो आप देखिए क्या है। तो गाइज़ ये रहा अपना आईफोन और इस तरीके से कुछ दिखता है। ये कलर लिया मैंने ब्लू। हे गाइज़ क्या हालचाल, हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज एक नए ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करता हूँ और आज का ये जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। अभी शाम का टाइम है और मैंने ये ब्लॉग शाम को स्टार्ट किया है और अभी कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट आने वाला है। गिफ्ट क्या मुझे तो खैर पता ही है, लेकिन अभी कुछ आने वाला है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ, उसके लिए मैंने वो स्टेप लिया है। तो क्या है वो सरप्राइज़, तो उसको देखने के लिए आप इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे अदर वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छे लगे तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और हम वेट करते हैं कि क्या आने वाला है, तो बहुत ही स्पेशल होगा, तो आप इंजॉय करिए। गाइस फाइनली आ चुका है हमारा गिफ्ट और बज गई है डोरबेल, तो अभी फ़िलहाल रिसीव कर लेते हैं गिफ्ट और भैया लेकर के आए। तो अभी रिसीव करते हैं और फिर आपको बताते हैं। और ये भैया लेकर के आए हैं, क्या नाम है भैया आपका? सर लक्की चौधरी। तो लक्की भैया आए तो अपना गिफ्ट रिसीव करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो गाइस फाइनली आ चुका है हमारा सरप्राइज़, और क्या सरप्राइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो बेसिकली मुझे दिया है नैन्सी ने, तो आप देखिए क्या है। वेलकम टू द फैमिली। तो दिस इज़ आईफोन 13 और ये हमने लिया है, ये स्पेशली नैन्सी ने मेरे को गिफ्ट किया है और थैंक यू नैन्सी। और दूसरी बात ये है कि इसका भी एक पर्पज़ है, बिकॉज आप ही लोगों के लिए स्टेप लिया गया है कि मैं चाहता था और भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको दे सकें। और इंडोर्स में मेरे को कई बार मेरे व्यूअर्स ने बोला कि इंडोर्स में लाइट थोड़ी सी सही नहीं आती है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर सा हो जाता है। तो मैंने सोचा यार इन्वेस्टमेंट तो करना बनता है, आप लोगों के लिए तो यार कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वन, अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं। लेटर ऑन इसका पूरी अनबॉक्सिंग और इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी मैं वीडियो चैनल पर लेके आऊँगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो गाइज ये रहा अपना आईफोन और इस तरीके से कुछ दिखता है। ये कलर लिया मैंने ब्लू और इसके बॉक्स में जो है, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है नमस्ते। और बॉक्स में इसके जो एसेसरीज़ हैं वो ये केबल है, इसके साथ चार्जर नहीं आता है, वो आपको अलग से लेना रहता है। तो अभी घर में ऑलरेडी चार्जर है तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल नहीं लेता। और इसके अंदर ये सिम ओपन करने के लिए भी ये की निकली है, और अभी आगे देखते हैं और क्या। और इसके लिए मैंने अलग से इसका केस जो है वो मैंने मंगा लिया था, लगभग 200-250 रुपये समथिंग का था, तो वो भी अभी निकाल के इस पे चढ़ा दो। तो गाइज़ अभी फ़ोन हो रहा है सेटअप, मैंने इसके अंदर सिम कार्ड अपना इंसर्ट कर दिया है और अभी ये आ गया है सारा कुछ। कंटिन्यू करते हैं और अभी सब सेटअप कर लेते हैं। सो हे गाइज़ गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और एक्चुअल में क्या था कि पूरा फ़ोन सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग, दिस शॉट इज़ शॉट बाय आईफोन इटसेल्फ। और मैं जा रहा हूँ नैन्सी को छोड़ने, तो नैन्सी आ चुकी है और हम दोनों अभी जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि मैंने कहा एक सैम्पल शॉट ज़रूर लेना चाहिए, तो अभी इससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताना यहाँ पर कैसा आ रहा है, और बिल्कुल DSLR वाला इफेक्ट आ रहा है ना। तो चलिए अभी मैं इसको छोड़ के आता हूँ, फिर हम लोग बात करें। सो गाइज दिस इज़ द नॉर्मल शॉट, ये 4K 60 FPS में मैं शूट कर रहा हूँ, और इससे पहले वाला जो था वो फुल HD पे था और जो कि सिनेमैटिक मोड पे था। तो देखिए डिफरेंस कितना है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। और दूसरी बात ये है कि अभी आगे हो रहा है थोड़ा सा जाम, तो आप मुझे कुछ समझ नहीं है। तो गाइज ये मैं इसके फ्रंट कैमरा से अभी शूट कर रहा हूँ, और देखिए क्लैरिटी और क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी जस्ट मैं हैंड्स ऑन कर रहा हूँ इस पर, बिकॉज इट इज़ अ न्यू डिवाइस फॉर मी, तो मैं हैंड्स ऑन कर रहा हूँ और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जान जाऊँगा। बट इसके कुछ मेजर फीचर्स थे जिनकी वजह से हमने सोचा इसको लेने का, बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से हमने इसको लिया है, और हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने इसको लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो वाकई में बहुत सारे डिवाइसेस में नहीं मिलते, कुछ ना कुछ कमी रही जाती थी। और हमने बहुत सारे फ़ोन्स की रिसर्च की और पाया कि यार इसमें जो फीचर्स हैं
वो कहीं ना कहीं और फोन्स में तो नहीं है, इस लेवल के नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा यार कि चलो जब इन्वेस्ट करना ही है तो एक अच्छी चीज़ ली जाए, और इसीलिए लिया है। आई होप आप लोग भी हमें हमारे इस डिसीजन में सपोर्ट करेंगे। और गाइस चैनल जो है बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर रीच करने को है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद कीजिए। तो अभी फ़िलहाल बस हम पहुंचने वाले हैं नैन्सी के डेस्टिनेशन तक, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, फिर मैं आपसे अगेन बात करता हूँ। अभी ये जो शॉट है ये मैं अपने आईफोन के बैक कैमरे से ले रहा हूँ, तो अभी इसको भी हम चेकआउट करेंगे और आपको डिफरेंस भी पता लगेगा कि कैसे कैसे वीडियोज इससे आप शूट कर सकते हो और किस क्वालिटी में कर सकते हो। तो मुझे पता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आ रहा होगा, तो अभी इसको भी जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइज अभी मैं नैन्सी को ड्रॉप करके आ चुका हूँ और अभी सिर्फ हैंड्स ऑन चल रहा है इस फ़ोन पे, एंड मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और लेटर ऑन आप लोगों को भी इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा और बताऊंगा इस फ़ोन की बेस्ट फीचर्स के बारे में कि आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर। तो जी फाइनली मैं आ चुका हूँ घर और अभी मेरा टाइम हो रहा है जिम जाने का, तो मैं अपना प्री वर्कआउट मील बनाऊंगा और जिम जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दें, रात को फ़ोन सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, और आप जानते हैं फर्स्ट टाइम जब फ़ोन सेटअप करते हैं यार तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वही टाइम मुझे लगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मैं पहली बार एंड्रॉयड टू आईफोन iOS पे स्विच कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग गया सेटल करने में। मेरे कॉन्टैक्ट्स इसमें मूव नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी मुझे फिगर आउट करना पड़ा, बट अल्टीमेटली आई फिगर इट आउट। और अगर आप में से किसी को जानना हो कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको कमिंग फ्यूचर में बता सकता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं और एक नया एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो अभी फ़िलहाल यही है कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और इसमें एडिटिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और ब्लॉग भी थोड़ा सा इसीलिए लेट आया बिकॉज थोड़ा सा टाइम लग जाता है नई चीज़ों में ढलने में, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। और लेटर ऑन बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लॉग्स आएंगे बिकॉज मैं अपने फ़ोन को कहीं भी लेकर के जा सकता हूँ, कहीं भी शूट कर सकता हूँ, बट कई जगहों पर कैमरे का थोड़ा सा इशू हो जाता है, उसके साथ हम शूट नहीं कर सकते। तो आज के इस ब्लॉग को ज़्यादा हम स्ट्रेच नहीं करते, यही कुछ सीन था जो मुझे आपसे शेयर करना था। और आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है इससे वीडियो शूट करने में, तो हम इसके एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे और कमिंग वीडियोस में आपको बहुत सारा कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारी कोशिश पसंद आई होगी। और गाइज बहुत सोच के हमने ये इन्वेस्टमेंट किया, तो आई होप आप हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे और हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर हम आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है तो, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आपके पास जल्दी से आ जाएँ। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।